देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भंडारी को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला इस वक्त खुद अपने बाल मुंडवा रही हैं और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इतने बड़े तरीके से इस तरीके से यहां पर प्रदर्शन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की ये लड़ाई है और जिस तरीके से प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, देवभूमि जिसको हम कहते हैं उसको, उसमें 700 से ज़्यादा केसेस रेप के दर्ज अभी तक इस वर्ष हुए हैं, जो अपने आप में अच्छे संकेत नहीं है। पुलकित आर्या और उसके साथियों ने जो अंकिता के संग किया हुआ था आपने देखा, और बीजेपी का ये लगातार आरोप रहता है कि कांग्रेस पार्टी न्याय पर भरोसा नहीं करती, न्यायालय पर। हम पूरी तरीके से न्यायालय पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि न्यायालय वही फैसला देगा जो सबूत कहेंगे। और हम यही लड़ाई तो महिला कांग्रेस और हम लोग लड़ रहे हैं कि आपने सबूत क्यों मिटाया, आपने डोजर क्यों चलाया, आपने आग क्यों लगाई, और आग लगने के बाद भी आपने उस एरिया को सील नहीं किया। क्या 15 दिन के बाद दोबारा आग लग गई? इसका मतलब आपने फॉरेंसिक जांच के सारे तथ्य मिटाने की कोशिश की। उस लड़की का बेडिंग उठा के आपने स्विमिंग पूल में डलवा दिया, उसका कमरा तोड़ दिया। जब सबूत ही नहीं रहेंगे तो अपराधी को सजा कैसे मिलेगी? जो उस बिटिया ने अपने मोबाइल में मैसेज डाला कि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज दिलाने के लिए दबाव डाला था, वीआईपी कौन है? और हमको डर है हाकम सिंह जिस तरीके से सबूतों के अभाव में छूट के बाहर आ गया है, कल को अंकिता के अपराधी भी छूट के बाहर आ जाएंगे और शायद वीआईपी का नाम जानने के लिए हम सब लोग पूरे जीवन इंतजार करेंगे और वीआईपी का नाम बाहर नहीं आएगा। आखिर कौन है वो, कौन नेता है जिसको बचाने के लिए पूरी सरकार पूरा प्रशासन लग गया? और शर्म आनी चाहिए सरकार को और इनके लोगों को। ये कहते हैं कि कमरा वीआईपी था। कमरा वीआईपी होता है क्या? उसमें रहने वाला वो व्यक्ति कौन था उस कमरे में जो आने वाला था? वो कहाँ है? उसका रजिस्टर में नाम क्यों नहीं है? इन सब चीज़ की जानकारी पुलकित से क्यों नहीं ली गई? सरकार ने झूठ क्यों बोला? सरकार ने कहा कि हम नार्को टेस्ट करने जा रहे हैं और जैसे ही 90 दिन पूरे हुए, 90 दिन की बाध्यता आप सब जानते हैं कानूनी बाध्यता क्या है, 90 दिन पूरे होने के तुरंत बाद सरकार का बयान आता है कि हम नार्को टेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपराधी या जो भी इसमें जिसका नाम लिया गया है वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। तो आपने पहले अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से क्यों सर्कुलेट किया कि आप जो है उसका नार्को टेस्ट करना चाहते हैं? सरकार शुरू से लेकर अभी तक संदिग्ध है और अपने किसी वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महिला कांग्रेस को धन्यवाद देता हूँ, क्या सारी बहनें जाकर अंकिता की लड़ाई को लड़ें, हालांकि एक साल से लगातार लड़ रही हैं। और ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस की बेटियाँ, कांग्रेस की माएँ लगातार, चाहे वो पुरोला की 4 SC ST की बहनों को न्याय दिलाने की बात हो, चाहे अंकिता को, चाहे किरण को, चाहे ममता को, चाहे पिंकी को, ये न्याय दिलाने की लड़ाई लगातार लड़े। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, महिला सम्मान उससे भी बड़ा मुद्दा है, है? और यहाँ तो उत्तराखंड का सम्मान नहीं हो रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, और रोजगार लोगों को दिया नहीं जा रहा है, रोजगार उनको छिन गए हैं। ये संघर्ष जो है महिला सम्मान का है, ये संघर्ष भाइयों बहनों के रोजगार का है,
ये संघर्ष जो है, जो राज्य की व्यवस्था है उसके खिलाफ है।